हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मंत्रास के ऊपर, और ये है बहुत ही पावरफुल मंत्र जिससे आप अपने लव को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका किसी भी प्रकार का रिलेशन है, अगर उसमें लव कम हो गया है या हस्बैंड वाइफ, बहुत सारे कमेंट नीचे आए हुए हैं कमेंट सेक्शन में कि हम हस्बैंड वाइफ हैं बट हम सेपरेशन में हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। आप मंत्र चैंटिंग के साथ साथ जब अपनी विश है उसको लगाइए, और आपका सेपरेशन हुआ है, ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ है, अगर आपका सेपरेशन है, आप इस मंत्र को अपनी इंटेंशन रखें मन में कि मेरे पति मुझे बहुत प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इस तरह के पॉजिटिव एफर्मेशन अपने लिए बनाइए और अपनी एक इंटेंशन सेट कर लीजिए कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये इंटेंशन सेट करके आप जो ये रेड तारा माँ का मंत्र है, जब आप इसे चैंट करते हैं तो आपको इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आप देखेंगे आपके हस्बैंड वाइफ के जो सेपरेशन को ये बिल्कुल हटा देगा, आपके अंदर एक अलग सा चुंबकीय अट्रैक्शन ये मंत्र पैदा करता है, आपके अंदर एक ऐसा अट्रैक्शन पैदा कर देगा, भले ही आपके हस्बैंड कितने भी दूर क्यों ना बैठे हैं, वो आपके पास खींचे चले आएंगे, और उनको आपने लव वाइब्रेशन सेंड करने हैं, पॉजिटिव थॉट सेंड करने हैं। नेगेटिविटी को आपने टोटली निकाल देना है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत होती हैं। हम अपने रिश्तों को ख़राब ही यहीं से शुरू करते हैं जब हम छोटी छोटी बातों में नेगेटिव होना शुरू करते हैं, और रिज़ल्ट ये मिलता है हम उस गंदे विचारों का और नेगेटिविटी का जाल बुन लेते हैं और वो हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। रिज़ल्ट हमें मिलता है कि हमारे रिश्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जब हमें पता चल जाए कि हमारी सोच ही सब कुछ करती है, तो क्यों ना इस सोच को ही अच्छा बनाया जाए, अच्छा सोचें, अपने रिश्तों के बारे में अच्छा बोलें, और साथ ही साथ ये जो मंत्र है रेड तारा मंत्र, तारा माँ का जो मंत्र है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप इसे करके देखिए, इसके आपको रिजल्ट इतने ज़्यादा मिलेंगे अमेजिंगली। पता है जो मंत्र होते हैं ना, मंत्रों की अपनी एक पावर होती है, मंत्र इतने ज़्यादा आपको हाई फ्रीक्वेंसी पर पहुँचा देते हैं, जो आपकी विश होती ना वो कई गुना तेज़ी से पूरी होना शुरू हो जाती है। देखिए, जैसे कोई अगर कोई मशीन है आपके पास, आप उससे काम ले रहे हो, धीरे धीरे उसके ऊर्जे पुर्जे ठीक नहीं है, बट आप उसको उससे काम ले रहे हो, तो वो काम तो कर रहेगी, बट आप उसको तेल पानी खाद वगैरह डाल दे, तेल पानी आदि दे दें, तो वो आप देखेंगे वो मशीन भी फास्ट चलना शुरू हो जाती है। या किसी पेड़ पौधे का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप पेड़ पौधे अगर उगते हैं, अगर उनकी थोड़ी सी केयर करना शुरू कर दें, है ना, मन पेड़ पौधों की हम केयर करना शुरू कर देंगे, अच्छे से उनको खाद पानी देना शुरू करें, तो उनकी जो ग्रोथ होती है ना, उनका प्रोसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही जब हम किसी अपनी विश के साथ इन मंत्रों को ऐड कर देते हैं ना, साथ इन मंत्रों की चैंटिंग को शुरू कर देते हैं, तो जो आपकी विश का प्रोसेस है ना डन होने का, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो ये है मंत्र, मैं आपको बता दे रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। ये है ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा, ये मंत्र है। आपको उसको चैंटिंग करनी है, और देखिए चैंटिंग बेधड़क करा करिए यार, जितनी मर्जी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जब तक आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप हैप्पी फील कर रहे हैं, आप चैंटिंग करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गिनती करो ना करो, बस आप चैंटिंग लगातार करते रहिए। चैंटिंग करने से ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। आप कोई गिनती विनती का ध्यान मत रखिए, बस जब आप हाई वाइब्रेशन में ना बहुत खुश हो, आप मंत्रों की चैंटिंग करते रहें अपनी इंटेंशन को कि मेरी विश पूरी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ चुके हैं, इस तरीके की अच्छी अच्छी फीलिंग्स डालिए। कोई भी आपका रिश्ता है, किसी भी तरीके का रिश्ता, ये हील करने की पावर रखता है बहुत ज़्यादा। अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, आपका जो पार्टनर है वो आपको दूर है किसी भी वजह से, कोई थर्ड पार्टी है या फैमिली का कोई इशू है, उसकी वजह से अगर दूर है, तो भी ये मंत्र बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आप अपने जीवन में इनको उतार करके अपनी विश को जो है पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये मंत्रों को यूज़ करें, चैंटिंग आपकी इच्छा है, आप जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप चैंटिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट देखने को फास्ट मिलेगा, ठीक है। तो चैंटिंग
कितनी करें कितनी ना करें ये डिपेंड आप पर करता है, आप कितनी देर अच्छी तरीके से पॉजिटिव होकर के अपने मंत्रों को चैंट करते हैं। जब आप मंत्र चैंटिंग करते हैं तब आपको फुल ऑन हाई वाइब्रेशन में होना चाहिए। ये नहीं है आप मन में नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हो और साथ ही साथ चैंटिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं चलता। आप पहले चैंटिंग करने से पहले 5-7 बारी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, गहरी सांसें भरें छोड़ें, गहरी सांसें भरें छोड़ें। इससे आपके मन का जो थॉट्स का फ्लो है, विचारों की गति जो है वो टूटती है, विचारों की श्रृंखला टूटती है, आपका मन शांत होता है, आपके विचार जीरो हो जाते हैं। और उस समय आप मंत्र की चैंटिंग करें, बहुत पावरफुल इसके रिजल्ट मिलते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।